हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल फार्मा गुरेर में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे सेल्स की, कि सेल क्या होते हैं और क्या फंक्शन होता है सेल्स का हमारे बॉडी में, और जानेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में, जानेंगे क्या क्या और रिलीज होती है हमारे सेल के अंदर, और बात करेंगे कि किन किन सिस्टम से मिलकर के हमारी बॉडी बनती है, उसके बारे में आज हम डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड को चलते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज रिक्वेस्ट यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सेल्स। तो फ्रेंड्स, जो सेल्स होता है हमारी बॉडी में, क्या है बेसिक स्मॉलेस्ट, क्या होती है स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, क्या होती है बेसिक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की। फ्रेंड, जैसे आपने देखा होगा, जब हम घर बनाते हैं तो हमें घर बनाने के लिए क्या एक ईंट की जरूरत पड़ती है, जिसको आप ब्रिक्स कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी को डेवलप करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए हमें क्या हमें सेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो सेल होता है हमारी, क्या बेसिक यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। तो हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा है कि क्या है स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की, या एक लाइफ की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है। तो फ्रेंड, जब हमारे जो सेल्स होते हैं, जैसे जो सेल्स होते हैं, अगर वो सेल बहुत सारे सेल है हमारे, अगर ग्रुप्स ऑफ सेल है तो क्या होते हैं, अगर सेल है हमारी बॉडी में बहुत सारे, तो अगर ग्रुप्स ऑफ सेल मिलकर बनते हैं, तो अगर ग्रुप ऑफ सेल होता है तो उसको टिश्यू कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल क्या टिश्यू होगा, और अगर ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलेंगे तो क्या होगा, एक ऑर्गन बनेगा। अगर ऑर्गन बनेगा ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनेगा, अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब ऑर्गन सिस्टम, जब ऑर्गन सिस्टम हमारा डेवलप हो जाता है, तो अगर जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं, तो उसके बाद क्या बनता है, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो फिर इस प्रोसेस को क्या, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमें बेसिक फंडामेंटल क्या चाहिए, हमको सेल चाहिए, हमें सेल की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए अगर हमको कोई ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, तो क्या होगा, सेल से मिलकर ही बनाता बना है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे सेल की बात। तो फ्रेंड्स, जो हम सेल होते हैं हमारे बॉडी में, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, उनके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं, कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, क्या शेप होती है उनकी। तो आज हम बात करेंगे, एक रफ डायग्राम देख सकते हैं सेल का, इसमें सेल क्या क्या रिलीज होती है, क्या क्या फंक्शन होता है उनका, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर, चलते हैं इस डायग्राम की ओर। तो ये डायग्राम क्या कहता है फ्रेंड्स, जो हमारा सेल होता है वो क्या होता है, इस टाइप का होता है, उसमें कुछ ऑर्गेनेल्स होती है, उन ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, सेंटर में आते हैं, सेंटर में हमारे जो सेल्स होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको ब्रेन कहते हैं, सेल का ब्रेन कहते हैं न्यूक्लियस को। तो क्या होता है, इसका काम होता है न्यूक्लियस का, पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना फंक्शन होता है हमारे न्यूक्लियस का। फिर बात करते हैं हमारे सेल में होते हैं राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स का काम होता है फ्रेंड्स, राइबोसोम का फंक्शन होता है कि ये क्या प्रोटीन बनाए हमारी बॉडी के, जो सेल्स होते हैं उनके लिए प्रोटीन को सिंथेसिस करें। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स हम सेंट्रोइड्स की, सेंट्रोइड्स का क्या काम होता है फ्रेंड्स, सेंट्रोइड्स का फ्रेंड काम होता है हमारे, जब हम सेल का म्यूटेशन होता है, मायोसिस होता है, तो उस कंडीशन में ये अपना रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है फ्रेंड्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे सेल में क्या करता है, वो हमारे सेल के लिए फूड बनाता है, जिसको किचन हाउस होता है सेल भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारे सेल है उसको एनर्जी चाहिए तो काम करने के लिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब वो फूड मिलेगा उसको, तो फूड कौन बनाएगा, हमारे बॉडी में फूड बनाता है सेल के अंदर, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस की, गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, जिसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, इसका फंक्शन होता है कि अगर हमारे सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आए या कोई सेल की ऑर्गेनिज डेड हो जाए, उसको इंगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ये काम होता है हमारे गोल्गी अपैरेटस का। अब बात करते हैं रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जो हमारे सेल होता है, सेल को एनर्जी चाहिए होती है, अब एनर्जी चाहिए तो उसको खाना भी चाहिए होगा, अब उसकी सेल की एनर्जी के लिए पूरे सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड कराए उसके लिए प्रोटीन बनाता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही हमारी सिंथेसिस होती है प्रोटीन की। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सेल, और सेल जो फ्रेंड्स सेल की जो आउटर लेयर होती है उसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, बायोलिपिड्स होती है फॉस्फोलिपिड्स की, क्या बायोलिपिड्स होती है फॉस्फोलिपिड्स की, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर सेल का। तो फ्रेंड्स, इसी तरह बहुत सारे सेल मिलकर के हमारे
इंडिकेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जो इंडिकेटरी सिस्टम होता है फ्रेंड्स, ये बात करता है स्किन से, रिलेटेड टू स्किन से होता है, जो स्किन से रिलेटेड होता है। हमारी पूरी बॉडी पर स्किन है, तो ये इंडिकेटरी सिस्टम में जहां पर आप बात करेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे स्किन की बात करेंगे। सेकंड बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो हमारी बॉडी जो नर्वस सिस्टम होता है न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे। जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स वगैरह के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। जैसे सीएनएस सिस्टम होता है हमारा, पीएनएस होता है, आगे बात करेंगे उनकी। तो ये हमारा क्या होता है, न्यूरॉन्स रिलेटेड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम फ्रेंड्स, स्केलेटल सिस्टम जैसे कि आपने पढ़ा होगा, स्केलेटल का मतलब होता है हमारा हड्डियों का जो ढांचा होता है, जो हमारा बोन्स वगैरह होती है, जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, उसको क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम। तो उसमें हम बात करते हैं बोन्स वगैरह की बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम बात करते हैं फ्रेंड्स हॉर्मोन्स की, जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे जैसे बच्चा होता है या बड़ा होता है, जैसे जैसे वो इंक्रीज उसकी एज बढ़ती रहती है, तो उसकी बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं। तो क्या होता है, वो सब किसकी वजह से होता है, वो सब एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होता है, क्योंकि हॉर्मोन्स का चेंजेस होने लगता है हमारी बॉडी में। एडोलेसेंट होती है, प्यूबर्टी एज होती है, प्यूबर्टी से एडोलेसेंट हो जाता है, एडोलेसेंट से टीनएजर्स वगैरह, ये सब क्या होती है, किसकी वजह से होती है, ये सब एंडोक्राइन सिस्टम यानी हॉर्मोन्स की वजह से होता है। तो इसमें हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की। अब बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की फ्रेंड। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम रिलेटेड टू द मसल्स, यानी जो हमारी मसल्स होती है उनसे, उसमें जब हम बात करेंगे तो मस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो उसमें आते हैं मसल्स। अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब फ्रेंड, जो कार्डियो मतलब कार्डियो मतलब हार्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारा हार्ट का सिस्टम है, जो हार्ट का जो हमारा वर्क होता है, पूरी बॉडी में पंपिंग करना होता है, जो ब्लड को पंपिंग कराता है हमारे सभी ऑर्गन तक, टारगेटेड ऑर्गन तक जो पंपिंग कराता है ब्लड को, होता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी हार्ट के रिलेटेड बात करेंगे हम यहां पे, यहां पे हार्ट से बात करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, जो आपका यूरिन, यूरिन जहां से यूरिन पास होता है, जैसे किडनी होता है, किडनी यूरेथ्रा, यूरेट्रा, ब्लैडर होता है, वो सब क्या है, हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है। पूरा सिस्टम मिलकर के क्या बनता है, पूरे सब ऑर्गन मिलकर के क्या यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं। तो उसमें बात करेंगे यूरिन वगैरह के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा क्या होता है, नोज से स्टार्ट होती है, हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स में जाती है, वहाँ से क्या होता है, प्यूरीफाई होती है। तो यहाँ जो हमारे बात करेंगे इसके बारे में, यहाँ पर बात करें रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में, पूरी हमारी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, सांस को लेना छोड़ना, उसके बारे में बात करेंगे इसमें रेस्पिरेशन सिस्टम में। तो रिलेटेड टू द ऑक्सीजन कह सकते हो आप यहाँ पे ऑक्सीजन, और रिलेटेड टू द एयर वगैरह से कह सकते हो आप यहाँ। फिर बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास पूरा ट्रैक आ जाता है, जैसे इंजेक्शन करते हो, किसी फूड लेते हो, लिक्विड लेते हो या कोई सॉलिड लेते हो, तो इंजेक्शन होता है, वो सब हमारा ट्रैक है, जो होकर हमारे कहाँ से होकर के हमारे एसोफेगस से होकर के हमारे स्टमक में पहुँचता है, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर इंटेस्टाइन बाहर निकलता है। तो वो जो पूरा ट्रैक होता है उसको आप कहते हैं, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, तो उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करते हैं। तो ये हो गए फ्रेंड्स हमारे आज कुछ सिस्टम के बारे में बात की, जिनसे इंडिविजुअल फील करके क्या हमारा हमारा सिस्टम बनता है, हमारे ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये सिस्टम उसमें परफॉर्म होते हैं हमारी बॉडी में, और इनके अलग अलग सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो फ्रेंड्स यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन बॉक्स, then you will learn, I will apply you, then I hope you will like this lecture. तो friends आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो friends एक like एक subscribe तो बनता है। तो friends मिलता हूँ next lecture में, तब तक क्या मस्त रहिए।